हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोना कहती है। तो आज मैं तैयारी, मैंने कल ही कर ली थी तैयारी, आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली। तो आपको रेसिपी नहीं बताऊंगी, ऐसे ही बस दिखा देती हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज होगी हमारी। ये कैसे इडली बना रही हो? ये साउथ इंडियन डिश, तो साउथ इंडियन में बोले तो मैं इसका बाइटर चेक कर रही है, इसका बाइटर अच्छा बनाएगी। अगर इसका बाइटर अच्छा बना गया तो मेरा जो इडली है वो अच्छे से फूलेगा, तो फूलेगा तो स्पंजी बनेगा, सबको खाने में अच्छा लगेगा। अच्छा, कैसा लगा मेरा एक्टिंग? अच्छा लगा ना? चेक कर रही हूँ कि अच्छे से मेरी इडली फूल रही कि नहीं। तो ये नए स्टाइल से पता करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मैंने छलनी रख दी है और छलनी पे अपना बैटर गिरा दिया है और नीचे है पानी, तो स्टीम से पक जाएगा और मुझे पता चल जाएगा मेरी इडली फूल रही है या नहीं। ये अपन का स्टाइल है, देखती हूँ कि फूला है कि नहीं। मूछो को थोड़ा रंडे घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आजा सारे मूड बना के, और रजनी थलाइवा, डोंट मिस द चैन थलाइवा, ऑल द रजनी फैन थलाइवा। बहुत नौटंकी कर ली, अब चलो देखो। देखती हूँ, निकल गया निकल गया निकल गया भैया, मस्त एकदम निकल गया, और सॉफ्ट भी हुआ है, स्पंजी भी हुआ है। किस करके देखो क्या ऐसे बोलते हैं साउथ इंडियन में? कैसे बोलते हैं? अरे मैं टेस्ट नहीं करेगी ना, मैं ग्रीनी है तो बच्चा लोग का टेस्ट करा के दिखाती है। अभी सारी इडली स्टैंड में बनाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस कर ली ना तो अभी सारी इडली स्टैंड में। हमारे साथ एक गेम हो चुका है, गेम ये हुआ है कि मम्मा जिस भी इडली बनाने वाली थी वो इडली वाला मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग को लगा गैप हो गया कहीं चला गया। तो मम्मी पापा को फ़ोन करके कहीं कि टूट गया है, नया लेते आइए, इन्हें बताया कि गायब हो गया है। तो फिर पापा कहे ठीक है हम लेते आए, और तब तक मैं ऊपर चढ़ी तो मुझे एक्चुअली ये बहुत पुराना हो गया है, मेरा मन नहीं करता इसको बनाने का। तो अभी मिल गया है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर बोल दूंगी कि बना दिया मैंने। क्या कर रहा है? क्या करूं, कितनी देर तक वेट करूं उनके आने का? वो ले आएंगे तो मैं बनाऊंगी, तो एक बार मैंने बना लिया जैसे तैसे, बहुत दिक्कत हो रही है, तो नहीं टूट सा गया है, वर्क नहीं कर रहा उतना अच्छे से। देखती हूँ अगर आ जाता है तो फिर दूसरा उसी में बनेगा। ये बन रहा है मेरा सांबर, सांबर हो गया रेडी। अच्छा है ना? बहुत जबरदस्त है।
तो छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत खुश होती हूँ, इसलिए आप लोग के साथ ये शेयर करना बनता है। और क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, डेली आप लोग से बातें करती हूँ, तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वही तो शेयर करूंगी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कॉमेडी शो कर रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ, तो मेरे लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, इसलिए मैं इन चीजों को आपके साथ शेयर करना जरूरी समझती हूँ। दिखाओ तो दादी, टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। हाँ चट्टी चेस की। ये अच्छा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ही एंड करती हूँ। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो जरा भी तो लाइक करना मत भूला कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए। व्यूज आ जाते हैं, लाइक नहीं आते हैं, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है, इससे भी बेस्ट रेसिपी मैं बताऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के इडली, तो अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड बाय। अयो तो एक लाइक तो कर देना ना प्लीज, अगर मेरा साउथ इंडियन स्टाइल पसंद आया हो और मेरी इडली अगर अच्छी दिख रही हो तो।